हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इंडिया। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इवेंट ऑर्ड का जो प्रोग्राम होता है उसे कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो टोटली अगर हम सी में बात करते हैं तो ऑर्ड इवेंट के जो प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी सारे, मतलब बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे मैथड्स हैं जिससे हम इवेंट ऑर्ड के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। बाकी इसमें मैं इस चैनल पर कवर करूँगा वो मैं 4 से 5 मैथड्स कॉमन जो है, जो कि बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो वो इवेंट ऑर्ड उस तरीके से मैं इवेंट ऑर्ड के जो प्रोग्राम है वो लिख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, टोटल मैं 4 मेथड से दिखाऊंगा इवेंट ऑर्ड करके। सो पहला मेथड जो है हमारा, तो वो तो बेसिक है। ठीक है, तो चलो फिर दिखाते एक यहाँ पे ऑड इवन 1। ठीक है, पहले मेथड वाला जो है उससे बता देते। सबसे पहले तो हमें अपने क्या करनी है, हेडर फाइल बनानी है। ओके, हेडर फाइल बना दिया हमने, अब हमें क्या करना है, मेन बनाना है। ठीक है, मेन फंक्शन बना लिया। अब ऑड इवन के लिए क्या होता है, देखो सोचो, ऑड इवन जैसे नंबर हमारे पास लेट्स से 2 क्या है, इवन है, 3 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि ये 2 इवन है और ये 3 ऑड है। सबसे पहला मेथड जो होगा उससे मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर ले लेते हैं, नंबर इनपुट करा लेते हैं यहाँ पे। एक वेरिएबल लेंगे इंट एन, प्रिंट एफ में करेंगे इंटर द नंबर। ओके, नंबर को एंटर कराना है, देन स्कैन एफ, ओके परसेंट डी। ओके, तो हमने नंबर को तो एंटर करा लिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, ऑड इवन देखना है कि जो नंबर हमारा है एन जो है, एन की वैल्यू ऑड है इवन है। ठीक है, तो एक चीज सोचो, जैसे 2 है, ये क्या इवन नंबर है। अब तुम ये बताओ कि कैसे पहचानेंगे कि 2 इवन है। तो इसका जो पहला मेथड है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हम 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, मतलब 2 का मॉडुलस लेंगे 2 से। तो क्या आएगा 2 का मॉडुलस 2 से, बताओ, 0। हमें पता है, हमने जो पिछला प्रोग्राम था हमारा पैलिंड्रोम नंबर का, मैंने 2 मैसेज से पैलिंड्रोम बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो मॉडुलस है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर, जो ये मॉडुलस ऑपरेटर, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक टाइप है। तो इस ये हमेशा हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। कोई भी नंबर का मॉडुलस हम किसी नंबर के साथ लेते हैं तो वो हमेशा हम क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे 2 है, 2 का मॉडुलस अगर हम 2 से लेते हैं तो ये रिमाइंडर क्या देगा, बताओ, 0 देगा। 3 का मॉडुलस अगर हम लेते हैं 3 से तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 से देगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हमारे साथ क्या है कि हम बात करें इवन की, तो सबको पता है कि इवन नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं, किन नंबर को हम इवन कहते हैं, वो नंबर जो कि 2 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, 2 का डिविजिबल जो कि 2 से इजीली डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। लेट्स से 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या है, 2 के डिविजिबल्स हैं। तो वो नंबर जो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि 2 से डिवाइड होने के बाद जो उनका मॉडल, मतलब 2 से अगर उस नंबर का मॉडुलस लेते हैं, लेट्स से यहाँ कोई भी नंबर है, ये हमारा n है, कोई भी नंबर है, मतलब यहाँ पे अगर हमारा n है तो ये जो नंबर है अगर इसका मॉडुलस, ये मॉडुलस है 2 के साथ, अगर हमें क्या दे दे, इक्वल इक्वल्स टू क्या दे दे, 0 दे दे, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जो अभी तक हमने बात की है उससे यही कंसेप्ट बनता ना हमारा, कि जो नंबर हमारा n है जो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं उसका मॉडुलस अगर 2 के साथ हमें 0 दे दे, मतलब कि वो नंबर क्या, इवन है। इवन कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 है, मतलब डिविजिबल का मतलब सिंपल सी बात है कि रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 मतलब कि वो नंबर इवन है। ठीक है, तो चलो फिर कोड लिखते हैं, एंड अदरवाइज अगर नहीं है 2 से डिविजिबल तो भाई वो तो सीधी सी बात है, ऑड होगी। ओके, सो आ जाओ, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, बताओ, हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर n से डिविजिबल, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या उसका रिमाइंडर 0 है। तो क्या मतलब, कुछ हम चेक करें, क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो इफ जो हमारा नंबर n है, क्या बताया, मॉडुलस व्हाट, 2 इक्वल इक्वल्स टू 0।
अगर ऐसा है तो हमें क्या कराना है, हमें कराना है प्रिंट। प्रिंट क्या कराना है कि द इनपुट इज इवन, ओके। अदरवाइज मतलब एल्स हमें क्या कराना, प्रिंट कराना है प्रिंट एफ द इनपुट इज ऑड, ओके। सो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। अब समझते हैं एक बार और, देखो n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब समझते हैं n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। n हमारा यूजर ने जो इनपुट दिया है, मान के चलता हूँ मैंने 4 दिया इनपुट, जो मेरा प्रोग्राम रन करेगा। आज आप एक बार रन करा के पहले दिखा देता हूँ आपको, चलो फिर। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, एक मिनट यहाँ पे, ओके कंट्रोल सेव, रन कराते हैं भैया, एंटर द नंबर 4 दिया, द इनपुट इज इवन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे। देखो n हमने क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। 4 का मॉडुलस लिया 2 के साथ, चलो 4 का मॉडुलस लेते हैं 2 के साथ। डैट मीन्स 2 से हम क्या कर रहे हैं, 4 को डिवाइड दे रहे हैं। तो क्या आता है क्वेश्चन, 2, यहाँ क्या आएगा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो क्या जो ये रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है, और हमें पता है कि ये क्या है इक्वल। अब तुम्हें अच्छा, हाँ कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक मिनट, हाँ किसी बच्चे को ये हुआ कि सर हम मतलब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते क्या इक्वल, ये वाला इक्वल या ये होता इक्वल, ठीक है। अब देखो ये जो है ना सिंगल इक्वल्स टू, जो तुम देखते हो ये वाला, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू राइट में हमारी है और जो वेरिएबल हमारी लेफ्ट में, वैल्यू नहीं, हाँ इधर वैल्यू होगा, जो इधर वैल्यू अगर हम लेते हैं दोनों तरफ, इधर तो हमेशा वेरिएबल आएगा, इधर वैल्यू नहीं आएगा। लेफ्ट में हमेशा वेरिएबल आता है, राइट में वेरिएबल भी आ सकता है और वैल्यू भी आ सकता है। लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक लिया है x, अगर x में इक्वल्स टू पहले एक केस लेते हैं जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं, और एक लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल दे रहे हैं y, ठीक है। तो x में हमने क्या कराया है, 2 को असाइन करवाया है, मतलब 2 की वैल्यू को स्टोर करा दिया है। तो अब जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई। अगर हम यहाँ कोई वेरिएबल डालते हैं तो इस वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी होगा उसको हमने असाइन करा रखा है x में, ठीक है। तो जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ये सिर्फ लिख देता, सोचो इससे पहले हटा लेते नीचे का, वेट 1 मिनट, ओके हाँ। अगर हम ये लिख देते इक्वल टू, इसका मतलब क्या था कि 0 को हमने क्या कराया इसमें असाइन करवाई है। भाई ऐसा थोड़ी है, क्योंकि इसमें असाइन कराने का मतलब ही क्या है, तो मैंने पहले ही बताया है कि इधर हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए था, इधर हमारा वैल्यू नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। अब तुम खुद सोचो, तुमने एन की वैल्यू तो दे दी है 4 मॉडुलस 2, ये एक वेरिएबल है, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसकी जिसका वो क्या कहते हैं, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, एन मॉडल्स टू 0। क्या 0 इक्वल्स टू 0 ये कोई लॉजिक है, नहीं। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे एक वेरिएबल होगा और ये इक्वल्स टू तभी आता है, ये जो सिंगल इक्वल्स टू तभी आता है जब यहाँ पे कोई वेरिएबल हो, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हम इसमें स्टोर करा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पॉसिबल नहीं है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये अगर यही मैं डबल इक्वल्स टू कर दूँ, इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी चेक कर रहा है कि क्या जो राइट में वैल्यू लिखी है, ये जो हमारी राइट में वैल्यू लिखी है और ये जो हमारा लेफ्ट में वैल्यू लिखा है, क्या ये दोनों सेम है। हाँ, अगर हम 4 लेते हैं, 4 मॉडुलस 2 क्या हमारा देता है आउटपुट, 0 देता है। और क्या 0 के इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है। लेट से एक केस लेते हैं हम 9, ठीक है 9 लेते हैं, चलो 9 लेके एक बार देख लेते हैं। आ जाओ वापस से प्रोग्राम में आ जाओ, उसको फिर से एक बार रन कराते हैं, 9 लेते हैं, एंटर कराते हैं, द इनपुट इज ऑड, ठीक है। समझ जाओ कैसे, 9 का जब मॉडुलस लोगे किससे, 2 से, तो क्या ये 0 के इक्वल आता है, देख लो डिवाइड करके 9 को, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि
टू से दो नाइन को डिवाइड, टू फोर जा एट, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर वन। क्या वन हमारा जीरो के इक्वल है? नहीं भैया ऐसा नहीं है। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है वो भी मैं बता देता हूँ, चलो इस वीडियो में इसका कोई यूज़ था नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये होती है, ठीक है। ये चीज़ अब ट्रू हो गई और ये चीज़ अब हमारा फॉल्स है क्योंकि वन जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स कंडीशन है। और वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ये बात सही है, तो ये क्या है हमारा ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो ऑड इवन में तो हम बस ये चेक करते हैं कि जीरो के इक्वल है, अगर इक्वल है तो भाई वो नंबर क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है। एंड अगर क्या हमारा रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि रिमाइंडर अदर देन जीरो है, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा ऑड नंबर होगा। सो ये हमारा पहला तरीका था प्रोग्राम का, ठीक है, जिसमें हम बेसिक तरीका, ये बेसिक मेथड है जो कि हर जगह 12th में 11th में हर जगह यही, मतलब अगर सी आपने पढ़ रखा है तो यही मेथड बताते हैं। बाकी जो मेथड्स हैं वो एक तो आपका मतलब वो बाकी सारे मेथड्स आपके ऑपरेटर पे ही बेस्ड हैं, जो हमने ऑपरेटर पढ़ा होगा सी में आपने पढ़ा ही होगा, जब आप यही प्रोग्राम पे आए उसका मतलब कि आपने पहले ऑपरेटर पढ़ा है। बाकी हमारे चैनल पे ऑपरेटर की वीडियो भी आने वाली है, एक दो दिन बाद ऑपरेटर की भी वीडियो आ जाएगी, तो ठीक है। तो उस ऑपरेटर वाले में आपने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उन सब के यूज से भी हम ऑड इवन को कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो मेथड टू होगा इसका, ठीक है। टिल देन ये वीडियो मतलब था बेसिक कोड कैसे ऑड इवन का लिखते हैं, तो मुझे लगता है आपको ये मतलब कोड समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा जो अभी कोडिंग कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द हमारा जो ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हम यहाँ सी में कर रहे हैं ना, सबके सब हम जावा में लाने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।